बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 में एक नई उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को आज अनुसूचित करने का प्रस्ताव लाया गया था मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। उसके जो मुख्य कंपोनेंट्स है वो है वाहन अथवा परिसर को अर्थदंड लेकर के छोड़ा जाना, शराब पीने वाले अभियुक्तों को भी अर्थदंड देकर के छोड़ा जाना। तो कोई प्रस्ताव यह है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 2000 से अधिकतम 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा, और यदि वो फाइन नहीं दे पाएंगे तो उनको 30 दिनों का कारावास दिया जाएगा। दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा, और यदि अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कार्यपालक दंडाधिकारी उसको अर्थदंड न लगा करके उसको 30 दिन का कारावास भी दे सकते हैं, और दूसरी बार यदि पकड़े जाते हैं तो अर्थदंड नहीं लेकर के अनिवार्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास दिया जाएगा। और न्यायपालिका में जो अभी तो ये मामले चल रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय से विभाग ने अनुरोध किया है कि ये सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिया जाए, तो ये जब माननीय उच्च न्यायालय से ये शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी जाएंगी तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कार्यपालक दंडाधिकारी हैं उनके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा। तो ये आज के प्रमुख